हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुमन्स प्राइमरी मैथ्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर यूनिट 4 मल्टीप्लिकेशन। सो इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट्स बाय 1 डिजिट। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उससे उसके लिए हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, टेबल्स। सो ये हम सेकेंड क्लास में छोटे छोटे टेबल्स की हेल्प से कर चुके हैं, आज हम करेंगे थोड़ा सा आगे। पहले हम उनको रिकॉल करेंगे। सो थ्री डिजिट्स को वन डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 232 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एच टी ओ, वंस टेंस हंड्रेड्स। तो इसके नीचे हम लिखेंगे 232 और इसको क्या करना है, हमने 3 से मल्टीप्लाई। सो कैसे करते हैं हम इसको मल्टीप्लाई, पहले जो हमारा नीचे डिजिट है इसको वंस प्लेस से करेंगे, फिर टेंस से, फिर हंड्रेड से। लेट अस स्टार्ट। पहले क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 टू जो कितना होता है 6। नेक्स्ट हम इसकी कर दी वंस से कर दिया, तो अब हम किससे करेंगे, टेंस वाले से, 3 जा इट्स 9, तो 9 हम इनको इन्हीं के नीचे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हंड्रेड्स प्लेस वाले से करेंगे। सो ये क्या है हमारे पास, 2, 3 टू जा क्या होता है 6। सो ये हमारा आंसर आ गया। क्या करना होता है हमें, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसको हमें वन बाय वन जितने भी डिजिट्स ऊपर होते हैं, 3 है, 2 है, 4 है, तो उनसे वन बाय वन करना है। 3 टू जा 6, 3 थ्री जा 9, 3 टू जा 6, ऐसे हमने मल्टीप्लाई करना है। सो ऐसे हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, इट इज आर आंसर। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन हेयर, इट इज वेरी सिंपल। हमें टेबल्स आते होने चाहिए, उसके बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। सो क्वेश्चन नंबर 2, इफ आई हैव अ नंबर 432 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे अब हम इसको, सेम वैसे ही, पहले वंस प्लेस से, 3 टू जा 6, 3 थ्री जा 9, 3 फोर जा 12, सिंपल। ऐसे हमने मल्टीप्लाई करना है और उसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है, इट्स वेरी इजी, इट इज आर आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, थैंक यू।